वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह के 10 बज रहे और भाई सबको हिचकी लग गई है, तो जरा सहला रहा हूँ। कल एक्चुअली पूरा दिन ब्लॉग नहीं कर पाया, बहुत ज्यादा बिजी डे था। भाई और अब्बा के साथ जरा बाहर गया था मैं प्रॉपर्टी देखने के लिए। वो देखकर जब आए तो उसके बाद में दो फ्रेंड्स आए मेरे घर पे, बहुत अच्छा लगा। वो आए, बैठे, बातें करे बहुत देर, केक काटा हम लोगों ने। जब से मेरा फाइट हुआ है ना, तब से मैं सोच रहा हूँ कि मैं दाढ़ी बनाऊंगा, थोड़ी शेप में करूंगा, पर 2 हफ्ते के ऊपर हो गए, अब तक दाढ़ी नहीं बना पाया। मैं सोच रहा हूँ वीडियो की शुरुआत कुछ अलग तरीके से करूंगा, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, देख लो। तो मैं काम करता हूँ, जब तक ये दाढ़ी वाड़ी सब मैं उड़ा के आता हूँ, अच्छे से शेप में करके आता हूँ, तब तक आप देखो कि कौन आया था घर पे और ये रिंग किसने। अरे यार बहुत ज्यादा इसके लिए था। पहले आप वो देखो कल वाला पार्ट, फिर वापस आते हैं। आज हेरेन से मिलने आई है उसकी मासी और उसके मौसा जी। हेलो हेलो, कैसी है? अच्छी। ये है यास्मीन। कैसे मासी की गोद में कैसे बैठा है देखो, है ना? खाला, तू तो खाला बन गए। हक से बाप बने हम। क्या पिएगी, चाय ठंडा कुछ? पहली बार घर पे आई? हाँ, लेट आया 1 घंटा। 5 घंटा, आधा घंटा लेट हूँ मैं। 10 मिनट बस हो गया, बस हो गया, बस हो गया। बोलना क्या पिएगी? हम बोले वसीम से बनवाएंगे, तो बहुत कॉफी क्या करता है ना। कॉफी पिएगी ब्लैक पक्का, देखते कितना पीती है। और मासी ने लाया है, मासी ने एरन के लिए लाया है केक, जो कि मैं खाऊंगा क्योंकि एरन तो खा नहीं सकता। क्या बात कर रही है, क्या लाया? शूट करने के लिए केक तो जैश ने लाया रहेगा पक्का। केक का आइडिया जैश करेगा, हंस रहा है। नहीं नहीं नहीं, तेरा ही होगा केक, तेरा ही है, तेरा है। खा सकती है बिस्कुट, डॉक्टर ने बोला सब खाओ, पिज्जा से लेकर सब जो मन में वो खाओ, बस हो गया। स्पाइसी और वो नहीं खाना, आपने लाइफ में सुना रहेगा कि फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट, कभी देखा भी है क्या? हम लोग तो चलता फिरता लेके घूमते हैं साथ में। ये जो लड़की दिख रही है ना, ये है बहुत बड़ी वाली है। अरे देख तो ले। बाय गाइस, ख्याल रखो, संभाल के जाओ। अभी आ गई ना, अभी फेमिनिन हो गई थी। फेमिनिस्ट से फेमिनिन हो गई तो अभी चल ठीक है, कोई नहीं, जा माफ किया। आते रहना घर पे। मैं बियर ट्रिम कराने के लिए तो गया, बट आज मंडे है, मैं भूल गया कि लोकल सैलून मंडे को बंद रहते हैं। अब मुझे शायद जाना पड़ेगा फ्यूजन स्टूडियो, क्योंकि जिम तो जा ही रहा हूँ, तो पास में ही है फ्यूजन स्टूडियो, जाकर ट्रिम करके उसके बाद में जिम चले जाऊंगा। वैसे भी करनी पड़ेगी क्योंकि 2.5 हफ्ते से मैंने नहीं किया, और मूंछ देख रहे हो होंठ पे आ गए पूरे, बहुत डिसगस्टिंग लगता है अगर कुछ पी रहे हो यहाँ पे, लगता है कुछ खा रहे हो यहाँ सब, समझ सकते हो ना। एक बैड न्यूज़ भी देनी है कि ये घर शायद हमें दिसंबर तक खाली करना पड़े। ये खबर तब आई जिस दिन इरिन पैदा हुआ, नहीं एक्चुअली उसके दूसरे दिन आई कि हमें ये घर खाली करना पड़ेगा। आई वॉज सो पेस्ट कि मतलब कैसा होता ना कि अब कोई अब घर में जाते हो ना, उसको सेटल होने के लिए आपको 6-7 महीने लग जाते हैं, जैसे आप कंफर्ट और कोजी होने लगते हो उस घर में, फिर उसको आप खाली करना पड़े तो समझ सकते हो फ्रस्ट्रेशन क्या होता है। और जस्ट तभी जब इरेन पैदा हुआ है
और बहुत छोटा है वो अभी तो, अब छोटे से बच्चे को लेके यहाँ से वहां भटकना मतलब, फिर भी अपने पास टाइम है तो इस बार अपन कुछ अच्छा ही देखेंगे जिसमें शिफ्ट हो सके। वैसे भी ये घर जरा भी व्लॉग फ्रेंडली नहीं है क्योंकि जैसे देख सकते हो दीवारें, ये आपको व्हाइट दिख रहा है, क्रीम दिख रहा है, आई डोंट नो, बट ये पूरी सारी की सारी दीवारें क्रीम है। और उसके वजह से क्या होता है कि हिंदी भाषा में समझाओ तो ऐसे जो दीवारें होते हैं ना ये कलर वाली, उनके वजह से फुटेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट लगने लगता है चेहरा, मतलब ये डार्क एरिया ज़्यादा हाईलाइट होके आता है ना कि कलर। यू नीड मोर कलर्स इन योर हाउस तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है फुटेज। तो ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ ये कि जो मैंने गिम्बल लेके आया है उसको अभी अनबॉक्स करने का टाइम आ गया है। अभी पहले मैंने सोचा कि वो रूम में करता हूँ, लास्ट वाले रूम में, बट वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है क्योंकि वहाँ फ़ैन नहीं है, फ़ैन नीचे एरन के पास लगा हुआ है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो नॉर्मल टेम्परेचर में रखना पड़ता है उसको, नहीं तो वो उठेगा और शोर मचाएगा। इसलिए मैं रूम में बैठा हूँ एसी चालू करके, तो सोच रहा यहीं अनबॉक्स कर देता हूँ, तो अभी पहले जाके गिम्बल लेके आते हैं। सबसे पहले ये बता दूँ कि ये जो है ये मुझे गिफ्ट मिला है फ्रॉम STCCL हांगकॉन्ग से, हिरेन भाई ने मुझे ये गिफ्ट दिया है, थैंक यू सो मच। इसको अभी अनबॉक्स करने का टाइम आ गया। ये प्लास्टिक खोलने का भी बड़ा अलग ही मज़ा होता है। तो ये जो गिम्बल है ना ये 2-axis गिम्बल है ना कि 3-axis। मैंने सुना है कि बहुत ही छोटा है और पॉकेट में आ जाता है, तो ये भी एक बार अपन करके देखेंगे। अपन ने सील खोली और वो तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है अंदर। ये इसका ट्राईपॉड है, कंपनी का नाम लिखा है इस पर, और ये रहा गिम्बल। इतना सा है यार, कितना क्यूट है। अगर इसको आपको चालू करना है तो इसको आपको स्लाइड ऊपर करना पड़ेगा, ओके, और अंदर सेल्फी स्टिक भी है। ये होती है इतनी लंबी, इसको तो अपन बाद में देखते हैं। इसके बाद में है एक पाउच जो कि बहुत ही कूल और स्मूथ पाउच है, नाम लिखा है ना स्मूथ स्मूथ। उसके बाद आता है एक केबल, केबल कौन सा है, टाइप सी केबल लगता है इसमें। तो इसको यूज करने से पहले एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है आपको, यहाँ पे बारकोड दिया है, इसको स्कैन करो और ऐप स्टोर पे जाके या फिर प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड मारो। उसके बाद में पहले सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना, उसके बाद ही यूज करना, ओके। तो मैंने मेरा फोन इस गिम्बल पे सेट कर दिया है, अभी तो फिलहाल स्टार्ट नहीं किया। सबसे पहले तो इसको ये घुमा दो, बाद में यहाँ पे बटन है पावर टर्न ऑन करने का, अभी ये हो गया। तो अभी मैं इसमें कुछ भी वीडियो अगर मैं शूट करता हूँ तो ये स्मूथली एक पैन शॉट लेने के लिए, या फिर जैसे कि अगर समझ लो मैं कोई वर्कआउट वीडियो बना रहा हूँ और कलीम मेरा वीडियो ले रहा है तो ऐसा पैन करके वो जा सकता है, मेरा प्रॉपरली वीडियो शूट कर सकता है। ये जो जॉयस्टिक है इससे ये घुमा सकता है, ऊपर कर सकता है, नीचे कर सकता है, बेसिकली ये कंट्रोल से सारा वो यूज कर सकता है। इससे मैं ब्लॉग भी कर सकता हूँ, जैसे कि हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, मैं वसीम शेख, ये मेरा ब्लॉग चैनल है चल रहा है ना कि टेक्निकल चैनल है, और ये आप लोगों। अब सबसे बढ़िया चीज जो कि मैंने वीडियोस में देखे, इसको बंद करो, इसके बाद में इसको स्लाइड करो और ये आपके पॉकेट में आ जाता है ना। अभी फिलहाल मैं रेडी हूँ, बस यहाँ से निकलता हूँ, जाता हूँ जरा होलिया ठीक करता हूँ, फिर जिम में सबसे मिलता हूँ। ले हाँ, अभी एक तो जादू देखने का क्या, रुक जा दिखाता हूँ। ये फोन गिम्बल है, फोन गिम्बल। हाँ तो जादू दिखाओ, ला तेरा आईफोन दिखा, दिखाता हूँ मैं। हाँ, अभी इसको ऐसा पकड़ के रख, ठीक है। अरे भाई ओके, खिलौना नहीं है, गोल गोल घुमा रही है। अभी साइड में बटन दिख रहा है इधर के इसके, हाँ उसको दबा के रख। अभी दिखा, हाथ दे, हाथ में दे मेरे, ए रुक जा, दिख रहा है या, या, या। ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। डैड इज गोइंग, नी 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 नी। सही है बेटा, जिंदगी तो तू जी रहा है एकदम। 2 घंटे में दूध है, खाने का, पॉटी करने का, मस्त सोते रहने का, और बाद में से टटोर टटोर के सबको गुस्से में देखते रहने का। सही है, चलो रात में मिलते हैं। जितना मेरे को सताएगा ना मैं गिन गिन के एक एक का हिसाब लूंगा, तेरे को देख लेना। अभी याद रखूंगा, 3 साल के बाद तुझे बताऊंगा। स्कूल जाना पड़ेगा ना तेरे को, जब स्कूल जाना पड़ेगा तब। अभी अपन निकलते हैं, सीधा जाते हैं फ्यूजन स्टूडियो, दाढ़ी बनाते हैं, उसके बाद जाते हैं अपन जिम में। लो पहुंच गए हमें फ्यूजन स्टूडियो, और भाई आज तो गजब की ट्रैफिक थी ना, बता नहीं सकता। तो दाढ़ी अपनी ना थोड़ी सी अभी छटेगी, थोड़ी सी ऐसे शेप में आएगी, ऐसे कोन में फिर एकदम थोड़ा सा खतरनाक लुक वापस रखना पड़ेगा। अभी जस्ट काटेंगे, काटने के बाद मिलता हूँ मैं।
और ये रहा लुक, अच्छा लग रहा है। ग्रुप रहने का भी अलग ही मजा है। थैंक यू भाई, अभी सीधा भागते हैं यहाँ से जिम, आज लेग्स मारेंगे लेग्स, और फिर वो गिम्बल से शूट भी तो करने के ट्राई करेंगे, पहली बार कर रहे हैं, अच्छा निकल गया। तो पहुंच गया मैं जिम में, कलीम नहीं आ रहा है, कलीम सुबह आकर चले गया, तो लगा कि मैं नहीं आ रहा हूँ शाम में, तो वो नहीं आया। अभी बासित है, बासित पर अपना उसने ट्रेनर चूज कर लिया, इसके लिए वो अपने ट्रेनर के साथ में वर्कआउट करेगा, मुझे अकेले करना पड़ेगा। यही होता है, उबैद भाई अपनी बेटी के साथ अंदर बिजी है, वर्कआउट कर रहे शायद से। मैं तेरे को एक मस्त चीज दिखाता है। जस्ट अभी वार्म अप कर लिया, बट लेग्स में भी मैं बहुत लाइट मारने वाला हूँ, बिकॉज बहुत टाइम के बाद मार रहा हूँ, और मुझे नहीं चाहिए कि आज लेग्स मारने के बाद में मुझे जब 3 दिन बाद वापस मारना पड़े, मार नहीं पा। एकदम लाइट लाइट एक्सरसाइज किया, जस्ट 4 एक्सरसाइज किए, एक्सटेंशन, लेग प्रेस, लेग कर्ल, बस 4 के अलावा कुछ नहीं किया, बिकॉज सैटरडे फिर से वर्कआउट करना है लेग्स का, तो मुझे वो नहीं चाहिए कि आज मैं मार के फिर हफ्ता डेढ़ हफ्ता इसी पैर लेके बैठा रहूँ। तो वर्कआउट खत्म हुआ, सब कुछ खत्म, बस घर जाने की तैयारी है। जिस काम के लिए आज स्पेशली आया था वो तो नहीं हुआ, वो कल होगी मीटिंग, और एक स्पेशल शख्स से मिलाऊंगा आपको मैं। बहुत बड़ा आदमी है भाई, देख के समझ जाओगे, बहुत बड़ा है वो, ऐसे चौड़ाई में 4 फीट है इतना बड़ा आदमी है। तो कल ही पता चलेगा, कल के बाद वाले ब्लॉग में, कि कौन है और क्या करने के लिए, मतलब क्यों मिल रहा हूँ, कोई बताऊंगा मैं, पूरा नहीं बताऊंगा बट थोड़ा बहुत बता दूंगा कि क्यों मिल रहा हूँ। थैंक यू उबैद भाई मीटिंग कराने के लिए, और सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, उबैद भाई भी करने वाले साथ में, अगर वो नहीं करेंगे तो उनको चमाट है भाई। नहीं क्या, नहीं नहीं फिर हम दोनों के बीच में एक आदमी ऐसे ही बैठा रहेगा। देखा इतना नाजुक है, टच नहीं किया पहले, आ निकल गया इसका। चले चलो, मस्त दूध पिलाया इसको, मस्त एकदम बैठा हुआ है, देखो टुकुर के दिख रहे, टुकुर टुकुर के दिख रहे, टुकुर 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 टुकुर। एक चीज है कि डैडी के पास रहता है ना तो चुलबुल कम, हंसना कम, एकदम सीरियस मोड में रहता। क्यों डैडी ऐसा, आपने कुछ टोचन दिया है क्या उसको? उसको बोला ना दोपहर में मैंने, क्या अभी नहीं तेको 3 साल बाद बताऊंगा सब, जब स्कूल जाने लगेगा तब। बराबर दूंगा ना, दफा दब दफा दब, तभी अभी झेल रहा हूँ, इसलिए वो सीरियस मोड में रहता है। सच्ची में मेरे हाथ में ना बहुत चुलबुल चुलबुल करते रहते हैं, और अभी देखो ना स्टेबल। अभी दूध पिया ना, इसको पपिया नहीं दे सकता मैं, वरना इसको पपियों का सेशन भी रहता है। एक मस्त एरेन नहीं, एरेन है वो, एरेन एरेन एरेन, एक काम कर एरेन ही बुला ले, एरेन मेरे को पता था, एरेन एरेन करेगी इसके लिए, एरेन एरेन ना मैं एरेन एरेन ये कर। आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रॉन्ग, पीस आउट। आज उनके दोनों खत्म हाँ। किए नहीं मैंने, तो पहले पीस आउट कर लिया, ओ सॉरी मुझे लगा, एंड पीस आउट, पीस आउट, उनका हाथ नहीं है तो मेरा हाथ, पीस आउट।